गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू SRS IAS एंड लॉ एकेडमी। आज की जो हमारी करंट अफेयर की न्यूज़ होगी वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड होगी, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी बाई UNEP। तो देखते हैं ये न्यूज़ में क्यों है। तो रिसेंटली UNEP जो है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, वो इकट्ठा हुए थे सारे पेरिस में, क्योंकि उनको जो है सेकेंड मीटिंग जो है वहाँ पे हेल्ड की गई है। सेकेंड मीटिंग थी आपकी इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी की। इसका जो फर्स्ट सेशन जो है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी का फर्स्ट सेशन जो है वो कंक्लूड किया गया था उरुग्वे में 2022 में। तो अब उसकी सेकेंड मीटिंग जो है वो यहाँ पे पेरिस में जो है वो की गई है। इसका मेन एम था ताकि टू सेट द स्टेज फॉर नेगोशिएशन ऑन द सब्सटेंस ऑफ ग्लोबल डील टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है उसको खत्म किया जा सके या उसे टैकल करने के लिए ये बेसिकली ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी जो है उसको बनाया गया था। इस साल जो है ये आपका प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर जो है इस साल आपको काफी क्वेश्चन जो है वो आप देख सकते हो, क्योंकि वेरियस रिपोर्ट जो है, एक तो UNEP जो है इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसके रिगार्डिंग मीटिंग्स कर रही है, और उसी के साथ साथ प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, वो आज की क्लास में हम वो भी देखेंगे। और उसी के साथ साथ दो तीन एजेंसीज और हैं, जैसे कि फिलीपींस की एक एजेंसी है, उन्होंने भी इसके ऊपर एक रिपोर्ट जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर एक रिपोर्ट दी है। उसके अलावा दो तीन एजेंसीज और हैं जिन्होंने प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर रिपोर्ट जो है वो दी है, जिससे ये पता चलता है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो रहने वाला है इस साल। और इस साल आप प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर वेरियस क्वेश्चंस जो है वो आप देख सकते हो। तो अगर आप रिसेंट जो भी आप एग्जाम जो है वो देने जा रहे हो, किसी भी स्टेट का, आप सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने जा रहे हो स्टेट का, तो उसमें आपको मेंस में प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर ऐसे जो है वो लिखने को आ सकता है, या आपसे डायरेक्टली प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर सवाल जो है वो आपको एनवायरमेंट या फिर आपकी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्लास्टिक पॉल्यूशन के रिगार्डिंग आपको सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं। इस जो मीटिंग हुई INC सेकेंड मीटिंग जो हुई इसकी, उसकी की हाइलाइट्स क्या है, तो इसका प्राइमरी एजेंडा क्या था कि रूल्स और प्रोसीजर जो है, जो प्रोसीजर के रूल जो है उनको अडॉप्ट किया जा सके। तो उसमें कुछ टेक्निकलिटीज हैं उसको डिस्कस करेंगे। रूल्स गवर्निंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज नेगोशिएशन प्रोसेस, डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, की जो डिसीजन जो लिया जाएगा किसी भी पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, तो वो डिसीजन क्या कंसेंसस से लिया जाएगा या फिर वोटिंग से लिया जाएगा। तो कंसेंसस का मतलब ये होता है कि सभी कंट्रीज जो हैं अगर वो अपनी यस देंगी तो उसको कंसेंसस माना जाएगा, तभी उस रूल को जो है वो लागू किया जाएगा। अगर एक या दो कंट्रीज भी उसको कंसेंसस अपना नहीं देती तो उनको जो है अगेंस्ट कंसेंसस मान के उस रूल को जो है वो लागू नहीं किया जाएगा। जबकि वोटिंग में क्या होता है, वोटिंग में जनरली डिफाइन किया जाता है कि आपकी 3/4 जो है, आपकी 3/4 वोटिंग जो है वो देखनी है, या फिर 50% से ज्यादा वोटिंग अगर किसी पर्टिकुलर डिसीजन के रिगार्डिंग जो है 50% से ज्यादा वोटिंग हो रही है तो उसको अडॉप्ट कर लेना है। ये वोटिंग में ये रूल जो है ये चलता है, बाकी वो डिफाइन किया जाता है कि कितनी परसेंट वोटिंग जो है वो चाहिए होती है। उसी के साथ साथ ये सारे प्रोसीजर जो है या ये सारे डिसीजन जो है वो INC 2 में जो है वो लिए जाने थे। द एंटिटी ऑथराइज टू मेक डिसीजन, और कौन सी एंटिटीज होंगी जो कि ऑथराइज होंगी डिसीजन लेने के लिए, ये भी INC 2 जो है उसका मेन एजेंडा जो है ये था। प्रीवियस मीटिंग जो हुई थी उरुग्वे में INC 1, उसमें एक पार्ट था रूल 37 का, जो कि स्टेट करता है कि ईच मेंबर शैल हैव वन वोट। तो रूल 37 आपका क्या कहता था कि ईच मेंबर शैल हैव वन वोट, कि हर एक मेंबर कंट्री जो है उसका एक वोट जो है वो माना जाएगा। लेकिन इसको जो है वो ब्रैकेट में लिखा गया था, जो कि एक अनरिजॉल्व्ड डिसएग्रीमेंट है, ठीक है। तो इन्होंने रूल 37 में ये लिख दिया कि मेंबर, हर एक मेंबर जो है उसका एक वोट होगा, और उसको ब्रैकेट में डाल दिया। द ब्रैकेट पार्ट नाउ इंक्लूड्स प्रोविजन फ्रॉम मिनामाटा कन्वेंशन अलाउंग रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन ऑर्गेनाइजेशंस, जैसे कि आपकी यूरोपियन यूनियन है, तो उसमें ये क्या क्या कहा जाएगा कि यूरोपियन यूनियन जो है उसको एक वोट दिया जाएगा, या फिर आपका यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी सारी कंट्रीज के बेसिस पे अपना वोट जो है वो दे देगा, ठीक है। मान लो जितनी भी इसमें कंट्रीज है, मान लो 27 कंट्री है या 25 कंट्रीज है, तो वो कंट्रीज जो है यूरोपियन यूनियन को 25 वोट जो है वो दे दिए जाएंगे, ठीक है। अगर उनमें से कुछ कंट्रीज जो है वो उस पर्टिकुलर कन्वेक्शन के जो उस पर्टिकुलर कन्वेंशन या उस पर्टिकुलर जो रूल जो है उसके रिगार्डिंग उनकी सहमति नहीं है, ठीक है, तो वो जो है वो चीज मानी जाएगी या फिर नहीं मानी जाएगी, तो ये जो है ये अभी भी इसमें जो कंसेंसस का इशू जो है ये बना हुआ है।
However, the member state must present during the voting as part of the committee. तो इसमें ये कहा गया है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो उनकी तरफ से फैसला लेगा, लेकिन जो दूसरे मेंबर कंट्रीज जो होंगी वो वहां पे जब वोटिंग होगी तो वहां पे वो कमेटी का पार्ट जो है वो होंगी, ठीक है, और वो वहां पे प्रेजेंट भी होंगी. इंडिया जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि जो रूल 38 जो है उसमें कंसेंसस के बेसिस के ऊपर जो है सारे मैटर्स जो है उनको उनका एग्रीमेंट जो है वो कंसेंसस के बेस पे जो है वो किया जाना चाहिए. मतलब कि अगर कोई भी फैसला अगर हम सुनाने जा रहे हैं या कोई भी रूल जो है वो बनाने जा रहे हैं तो जब तक उसके ऊपर कंसेंसस नहीं होता तब तक उसको जो है पास नहीं किया जाना चाहिए. मतलब इंडिया का ये कहना है कि अगर 100% वोटिंग जब हो जाती है तब उसको जो है उस रूल को जो है वो पास किया जाना चाहिए. इंडिया की इसके पीछे मंशा ये है कि अगर कोई झूठ से अगर कोई मान लो अगर वोटिंग जो है वो आप 75% वोटिंग के साथ जो है किसी भी रूल को जो है वो पास कर देते हो और 25% जो वोटिंग जो है वो इस उस रूल के अगेंस्ट है तो वो 25% लोग जो होंगे या वो 25% कंट्रीज जो होंगी वो अपने पूरे 100% के साथ जो है वो उस पर्टिकुलर रूल में अपना 100% जो है वो नहीं देंगी. फॉर एग्जाम्पल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन करना है, ठीक है, तो इसमें अगर 100% कंसेंसस के साथ वोटिंग पास की जाती है तो वो सारी कंट्रीज जो है वो लायबल हो जाती हैं कि उन्होंने यहाँ पे कंसेंसस दिया है वो लायबल हो जाती हैं सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन करने के लिए. यही अगर 25% कंट्रीज जो है वो ये नहीं मानती तो वो 25% कंट्रीज जो है वो अपने देश में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है उसको बैन नहीं करेंगी. तो इसी वजह से इंडिया चाहता है कि कंसेंसस के साथ जो है कोई भी चीज जो है वो यहाँ पे पास होनी चाहिए. ऑल द एफर्ट्स टू रीच कंसेंसस have been exhausted and no agreement has been reached. तो अभी तक कोई भी agreement जो है वो reach नहीं किया है. The decisions shall as a last resort be taken by 2/3 majority of the representative of members. तो अगर consensus नहीं हो पाता उस case में 2/3 majority के साथ जो है वो voting जो है वो होनी चाहिए. The formation of open-ended working group has delayed the start of discussion in the contract group on the substantive matters. तो ये जो है ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप जो है उसकी फॉर्मेशन जो है वो नहीं हुई है, डिले हो चुकी है, जिस वजह से डिस्कशन जो है वो स्टार्ट नहीं हो पा रही है. UNEA रेजोल्यूशन 5/14 द असेंबली मैंडेटेड एन एडहॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप. तो ये जो है UNEA का रेजोल्यूशन है 5/14 जो कि ये कहता है कि एक एडहॉक ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप जो है वो होना चाहिए ताकि वो जो है ग्राउंड वर्क जो है नेगोसिएशंस के लिए जो ग्राउंड वर्क है उसको ले डाउन जो है वो कर सके. अब इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशन कमेटी क्या है उसके बारे में देख लेते हैं. इसको एस्टेब्लिश किया गया था फरवरी 2022 में एट द फिफ्थ सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली. तो जो इसका फिफ्थ सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का वहां पे उसको जो है फरवरी 2022 में जो है एस्टेब्लिश किया गया था. उसी के साथ साथ एक हिस्टोरिकल रेजोल्यूशन 5/14 इसको भी अडॉप्ट किया गया था ताकि ये जो है ये डेवलप कर सके एन इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट. ठीक है कि एक इंटरनेशनली लीगल बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट जो है उसको डेवलप किया जा सके किसके ऊपर, प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर, ताकि ये जो है जिसमें मैरीन एनवायरनमेंट विद द एम्बिशन टू कंप्लीट द नेगोशिएशन बाय द एंड ऑफ 2024, ताकि ये जो है मैरीन एनवायरनमेंट जो है उसको बचाया जा सके और नेगोशिएशंस जो है बाय द एंड ऑफ 2024 जो है उसको कंप्लीट की जा सके. अब इसकी जरूरत क्यों है इस कमेटी की. The rapidly increasing level of plastic pollution represents a serious global environmental issue. That negatively impact on the environment, social, economic and health dimensions of sustainable development. In the absence of necessary interventions, the amount of plastic pollution entering aquatic ecosystem could nearly triple from some 9 to 14 million tons per year in 2016 to a projected 23 to 37 million tons per year by 2024. तो ये जो है हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो ऑलमोस्ट ट्रिपल हो चुका है 2016 से लेके. ये प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि 2040 तक ये जो है पॉल्यूशन जो है ये ट्रिपल हो जाएगा. ठीक है, जो 2016 में आप 9 से 14 मिलियन एनवायरमेंटल पॉल्यूशन जो है एक्वेटिक इकोसिस्टम में कॉज करते थे प्लास्टिक पॉल्यूशन के द्वारा, ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि वो पॉल्यूशन बढ़ के 23 से 37 मिलियन टन पर ईयर तक जो है वो पहुंच जाएगा 2040 तक. अब इस कमेटी का ऑब्जेक्टिव क्या है वो देख लेते हैं. अंडर द लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट कंट्रीज विल बी एक्सपेक्टेड टू डेवलप इंप्लीमेंटेड एंड अपडेट नेशनल एक्शन प्लान रिफ्लेक्टिंग कंट्रीज ड्रिवन अप्रोच टू कंट्रीब्यूट टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है कि कंट्रीज अगर ये एग्रीमेंट जो है ये लीगली बाइंडिंग होगा तो उस वजह से कंट्रीज जो होंगी
वो अपना नेशनल एक्शन प्लान जो है उसमें उन कंट्रीज के नेशनल एक्शन प्लान में रिफ्लेक्ट होगा कि कंट्री जो है वो ड्रिवन है कि वो जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है उसको कम करना चाहती है. दे विल बी एक्सपेक्टेड टू प्रमोट नेशनल एक्शन प्लान्स टू वर्क टुवर्ड द प्रिवेंशन रिडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ प्लास्टिक पॉल्यूशन एंड टू सपोर्ट रीजनल एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन. अब इनिशिएटिव्स देख लेते हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए इंडिया के द्वारा कौन कौन से इनिशिएटिव लिए गए हैं. सबसे पहले आपका प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2022, उसके अलावा एक्सटेंडिंग प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट है आपका नेशनल डैशबोर्ड ऑन एलिमिनेशन ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट. नेक्स्ट है आपका इंडियन प्लास्टिक पैक्ट. नेक्स्ट है आपका प्रोजेक्ट रीप्लान. उसी के साथ साथ कुछ वर्ल्ड ग्लोबल इनिशिएटिव्स जो हैं वो भी देख लेते हैं. यूरोपियन यूनियन डायरेक्टिव ऑन सिंगल यूज प्लास्टिक्स क्लोजिंग द लूप और ग्लोबल टूरिज्म प्लास्टिक इनिशिएटिव. तो ये इनिशिएटिव जो है ये ग्लोबल इनिशिएटिव्स लिए गए हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो प्लास्टिक पॉल्यूशन के रिगार्डिंग थी और स्पेशली ये जो इसके रिगार्डिंग जो पेरिस में जो कन्वेंशन हुई है उसके बारे में थी, जो मीटिंग कमेटी जो है वो बनाई गई है उसके रिगार्डिंग थी. इस क्लास का जो नोट्स है वो सेंड कर दिए जाएंगे आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे और जो हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप जो है वहां पे भी इसके नोट जो आपको सर्कुलेट कर दिए जाएंगे. उसी के साथ साथ हमारे वेरियस व्हाट्सएप ग्रुप्स में आप ऐड हो सकते हो और कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन चाहते हो हमारे वेरियस कोर्सेज के रिगार्डिंग, तो यहाँ पे जो स्क्रीन पे दिया हुआ नंबर है वहां पे आप कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हो. तो आज की जो हमारी क्लास थी वो यहीं तक थी. थैंक यू सो मच.